सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एन अदर गेम प्ले वीडियो। आज हम गोस्ट फेस खेलने वाले हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, वन ऑफ माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू प्ले गोस्ट फेस। लाइक ही यूज टू प्ले गोस्ट फेस एवरी डे बिफोर दी बग डूड। राइट नाउ ही इज़ इन अ ब्रेक फ्रॉम द गेम, सो लेट्स हैव अ चैलेंज। डोंट अब्यूज गोस्ट फेस बग एंड गेट अ 4K। आई विल सब्सक्राइब यू एंड आई विल रिकमेंड यूर चैनल टू माई फ्रेंड्स। ओके, चलो लेट्स बिगेन द गेम। एंड आज वैसे भी चैलेंज मिल ही गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का चैलेंज तो सबको आपको पता ही होगा कि मुझे अब्यूज़ नहीं करना है गोस्ट फेस के साथ, एंड बिना अब्यूज़ के खेलना है। एंड मैं यहाँ पे क्राउच होकर वॉक कर रहा हूँ, एंड मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा है घासों के अलावा। एंड मुझे सामने एक बंदा दिखाई दिया, आई थिंक ही हैज़ एन ऑब्जेक्ट। हाँ, मैं यहाँ पर स्टॉक करने की ट्राई कर रहा था, बट मैं यहाँ पर वॉल के थ्रू रिवील भी हो गया। एंड ये रूल के अगेंस्ट था, चैलेंज के अगेंस्ट था, इसीलिए मैंने वापस मतलब स्टॉक करना छोड़ दिया। एंड मैंने यहाँ से डिसाइड किया कि मैं पूरे मैच में पूरे गेम में स्टॉक नहीं करूँगा। एंड यहाँ पे थोड़ा क्लोज था, ड्विट को हिट लग जाता, बट नहीं लग पाया, कोई नहीं। एंड यहाँ पे ड्विट का सबसे बड़ी गलती थी कि वो जंगल जिम छोड़ के किलर शैक पे गया। इजीली यहाँ पे एक हिट तो मिल गया हमें। चलो देखते हैं कितना लंबा टिकता है ड्विट। ओके, आयरन विल भी है ड्विट के पास, नाइस। रिवर्स करेगा, रिवर्स कर गया। ओके, समझदार है ड्विट, समझदार है, सही सोच के खेल रहे हैं, नाइस। एंड यहाँ पे उसने डेड हार्ड भी यूज़ कर लिया अपना, इसका मतलब इसके पास ऑब्जेक्ट डेड हार्ड है। एंड तीसरा पक मुझे क्यों ना लग रहा है कि DSB होगा करके। अच्छी बात है ड्विट यहाँ पीछे नहीं देख रहा था। एंड ईजिली यहाँ पे एक हिट लग गया, पायलट ड्रॉप करने वाला था बट पीछे देख के ड्रॉप करता, कोई नहीं। चलो बाजू में किलर शैक है, तो इसका मतलब बेसमेंट भी नीचे ही होगा, तो चलो देख कर आते हैं बेसमेंट। अरे यार यहाँ पे है ही नहीं, कोई नहीं। यहाँ पे एक जनरेटर भी हो गया है इतनी जल्दी, तो चलो इसे मैं हुक कर देता हूँ। एंड यहाँ बारबेक्यू से देख लेते हैं सबके लोकेशन कहाँ कहाँ है। ओके, यहाँ पे मैं अपना टेरर रेडियस 0 करना चाहता था बट मैं रिवील हो गया, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे केट है, अच्छी बात है, चलो केट को यहाँ पे हिट देते हैं, नाइस। एंड बाजू में तो जनरेटर पे काम कर रहा है, केट पे रखते अपना ध्यान। एंड बाजू में चल जाएंगे अपन। एंड इजीली केट ने वहाँ पे पैलेट वेस्ट कर दिया। एंड हेलो फैंग, फैंग के पास प्लिंट बस्ट है, नाइस, दिख गया प्लिंट बस्ट। चलो मैं जनरेटर को तो अभी मैं पॉप नहीं करूँगा, बट ठीक है, मैं केट को फैंग को निपटा दूँगा। एंड या फैंग यहाँ पे इजीली डाउन हो गई, चलो पैलेट भी चला गया, इजीली डाउन भी हो गई, तो अपना यहाँ पे सेकेंड हुक मिल ही जाता है। एंड अभी तक मैंने किसी को स्टॉक नहीं किया फुल्ली, लाइक किसी को मार्क नहीं किया, सो अकॉर्डिंग टू द चैलेंज में हम अपन जा ही रहे। एंड वैसे मेरे पास अभी पॉप है नहीं आज के, वैसे मेरे पर्क्स हैं बारबेक्यू, स्लॉपी बुचर, रुइन एंड नर्सेस कॉलिंग। यहाँ पे मैं अपना टेरर रेडियस 0 करने के लिए वापस मैं स्टॉक वाले मोड पर चला गया था, ताकि सर्वाइवर्स को मेरी लोकेशन ना पता चले। एंड मैं यहाँ पे देख रहा था, तो मुझे यहाँ पे ड्विट मिला, कोई बात नहीं। एंड मुझे क्यों ना लग रहा है कि ड्विट जानबूझ के सामने आया था मेरे, उसके पास शायद DS होगा, इसीलिए मैंने ड्विट को उठाया नहीं। फिर मैं ये सोचने लग गया कि वेट करते हैं थोड़ा सा, इसका वैसे भी DS अभी ख़त्म होने वाला है, ऑलमोस्ट 30 seconds तो हो ही चुके हैं, तो एक और 30 seconds वेट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आसपास में कोई सर्वाइवर्स है कि नहीं फ्लैशलाइट करने वाले। तो आसपास से मुझे तो कोई नहीं मिला, बट यहाँ पे एक और जनरेटर मेरा हो गया था, तो मैंने फाइनली डिसाइड किया चलो अब ड्विट को ग्रैब करते, मतलब पिक करके हुक करते हैं सीधा, नाइस। यहाँ पे एक हुक ये रहा बाजू में ही है, चलो यहाँ पे इजीली ड्विट का सेकंड हुक आ गया। एंड यहाँ पे मेरा अब तक एक भी किल नहीं हुआ है, बट 2 generators ईजिली हो गए, तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे थोड़ा बहुत स्क्रैच मार्क्स दिख रहे थे। तो यहाँ पे ये रहा केट, नाइस। वैसे केट देखा जाए तो अच्छा खासा लूप करवाती है यहाँ पे, थोड़ा लंबा ही लूप करवाती है मुझे यहाँ पे, ताकि और भी जनरेटर जल्दी से हो जाए। मैं यहाँ पे बहुत ट्राई करता हूँ माइंड गेम करने के लिए केट को, बट मैं सब में फेल हो जाता हूँ, लाइक मैंने प्रॉपर माइंड गेम तो नहीं कर पाता मैं। एंड केट भी थोड़ा अलर्ट होकर खेल रही थी, थोड़ा बहुत अच्छा से भी खेल रही थी, नाइस। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। ओके, एक और बार ट्राई करता हूँ फेक करने के, चलो जाने दो। स्टन मिल ही गया,
मैं जिसको मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था फाइनली स्टन ना मिले करके, बट मिली गया फाइनली। चलो देखते हैं, केट के पास भी शायद आयरन विल है, मुझे केट का भी लोकेशन नहीं पता चल रहा। एंड यहाँ पे स्क्रैच मार्क्स यहाँ से गायब हो गए, शायद डांस विद मी है शायद उसके पास, तो आगे स्क्रैच मार्क्स वैसे भी दिख रहे थे, तो आगे वाले पे चलते हैं। चलो शायद यहाँ पे केट ही होगी। ओके ड्वीट निकला, चलो कोई नहीं, मैं ड्वीट को ही निपटा देता हूँ। एंड एक और जनरेटर भी हो गया यहाँ पे, लाइक तीन जनरेटर फिनिश हो गए, लगता है मेरा एक भी हुक किल नहीं हुआ। एंड जहाँ तक मुझे पता है ड्वीट अभी अभी अनहुक हुआ है, तो शायद डीएस भी होगा इसके पास, इसलिए मैंने ड्वीट को उठाया नहीं, बल्कि मैं वेट कर रहा था ताकि उसका डीएस एक्सपायर हो जाए, फिर अपन हुक करेंगे करके। एंड यहाँ पे मैं अपना आजू बाजू देख ही रहा था कि केट कहाँ चली गई, मेरे को केट कहीं पूरी मैच में यहाँ दिखी नहीं। एंड एक और जनरेटर हो गया, तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड किया कि जाने दो कोई नहीं, डीएस लगता है तो लगने दो, हुक कर देते हैं, एक कम से कम एक किल तो मिलेगा ही। एंड ये मेरा पहला गेम प्ले था, लाइक गोस्ट फेस का ये चैलेंज का पहला गेम प्ले था। सो ठीक है, यहाँ पे अभी एक किल मिल गया एंड एक ही जनरेटर बचा है, एंड एक जनरेटर में मुझे तीनों को प्रेशर करना है, तो मुझे जल्दी जल्दी डाउन करना पड़ेगा सारे सर्वाइवर्स को। सो यहाँ पे बिल तो बहुत ज़्यादा ही गलतियाँ कर रहा था, तो इजीली बिल यहाँ पे डाउन हो गया। चलो कहाँ गया बिल, ओके चलो इसको उठाते हैं एंड हुक करते हैं जल्दी से। हुक कहाँ है, आसपास में ही है। एंड देखते हैं कौन से जनरेटर पर काम चल रहा है। ओके यहाँ सैबो करने के लिए फैंग आ रही थी, नाइस। एंड यहाँ पे मेरा गेम भी कुछ ज़्यादा लैग कर रहा था, लाइक देख सकते हो मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं करवा रहा था। ठीक है, मेरे सामने अनूप करके ले चली गई फेंग उसको, कोई नहीं मैं फेंग के पीछे जाऊँगा क्योंकि फेंग मेरे सामने अनूप करके चली गई। ओके यहाँ पे मैं अपना टर्न रेडियस ज़ीरो कर देता हूँ ताकि मेरा रेड मार्क कहीं दिखाई नहीं दे, रेड स्ट्रिंग। एंड यहाँ पे मैं वापस से रिवील हो जाता हूँ, बट फेंग की बैड लक है यहाँ पे, उसने स्लो वॉल्ट किया, सबसे बड़ी गलती। चलो यहाँ का पैरेट भी गया, अब क्रेन वाले लूप में तो पैरेट है ही नहीं, तो आराम से अब मतलब खेल सकते हो, यहाँ पे आराम से लूप कर सकते हो लंबा तक। एंड यहाँ पे बारबेक्यू से देखने के बाद पता सामने वाले जनरेटर पे काम चल रहा था, तो चलो चलते हैं सामने वाले जनरेटर पे, अपने पास पॉप भी नहीं है। ओके बिल यहाँ पे जनरेटर कर रहा था, नाइस। चलो मैं बिल को डाउन कर देता हूँ। एंड मुझे जहाँ तक इस बिल को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि बिल के पास पक्का अनब्रेकेबल होगा। एंड पीछे से यहाँ पे केट जा रही थी सेव करने, नाइस। चलो मैं एक काम करता हूँ, फेंग को डाउन कर देता हूँ, फिर केट से निपट लेंगे, लास्ट सर्वाइवर होगी। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं फेंग को पकड़ पाऊँगा क्योंकि फेंग के पास प्रिंट बस था, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा स्पीड उससे उतना जितना हो पाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे फेंग को छोड़ दिया, वापस बिल के पास जाने की सोच रहा था। एंड या बिल यहाँ पे इतना जल्दी हील हो गया, तो इसका मतलब बिल के पास अनब्रेकेबल है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया, टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं यहाँ पे जनरेटर थोड़ा प्रोटेक्ट कर लेता हूँ डैमेज करके। एंड वापस चलते हैं, वो फिर से पीछे मुड़ के देख लेते हैं कि फेंग आ रही है कि नहीं उस जनरेटर को टच करने। एंड लकीली फेंग आ ही रही थी उस जनरेटर को टच करने, तो मैंने सोचा चलो फेंग का गेम ख़त्म करते हैं सीधा। एंड यहाँ पे फेंग ईजिली डाउन हो जाती है क्योंकि ऑलरेडी उसने ये वाली ट्रिक मेरे पे यूज़ कर चुका है, एक बार मैं धोखा खा सकता हूँ लेकिन बार बार नहीं। एंड एक बार मैं जनरेटर भी चेक कर रहा था कि किसने टच किया तो नहीं करके। चलो फाइनली लगता है मुझे फेंग का लास्ट हुक है, एंड डीएस भी मिस कर दी होगी इससे कुछ लग रहा है मुझे तो, नाइस। एंड अभी बारबेक्यू से पता चल रहा है कि दोनों वो लास्ट जनरेटर पे काम कर रहे हैं, तो इस जनरेटर को छोड़ के चलते हैं आराम से लास्ट जनरेटर पे। एंड या इजी, शायद मैं अच्छा खासा प्रेशर कर ही रहा हूँ फिलहाल, तो पूरा गेम मतलब एक जनरेटर पे अच्छा खासा प्रेशर मैंने मेंटेन किया, नाइस। ओके बिल है यहाँ पे, कोई नहीं मैं बिल को निपटाते हैं सबसे पहले। ओके सामने इसके लिए पायलट है, लेट हो गया मैं कुछ ज़्यादा लंबा स्विंग कर दिया मैंने, कोई नहीं पायलट ब्रेक करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से बिल को डाउन करना पड़ेगा फिर बाद में केट को, वरना मेरे हाथ से ये गेम चला जाएगा। एंड यहाँ पे आने के बाद लाइक मुझे पता चल गया था कि बिल यहाँ पे पायलट ड्रॉप करेगा, बट उसने पायलट ड्रॉप नहीं किया, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा था यहाँ पे बिल, तो मैं यहाँ पे इजीली समझ गया कि ये लोग मेरा टाइम वेस्ट करेंगे, मुझे जल्दी से जाके एक बार जनरेटर पे एक राउंड मार के आना है, तो मैं तुरंत आ गया था इस जनरेटर पे देखने के लिए। बट यहाँ पे अब तक कोई काम हुआ नहीं था, वो अभी भी डैमेज का डैमेज पड़ा हुआ था। एंड लकीली मुझे सामने केट भी दिख जाती है, चलो ठीक है, मेरा गेम भी यहाँ पे थोड़ा बहुत लैग करता है, चलो अब ठीक है। मैं सबसे पहले केट को एक हिट देते हैं, फिर वापस
यहाँ पे बिल मुझे फ्लैशलाइट करके बुला रहा था। भैया बिल तुम्हें तो चाहिए था, मैंने तुम्हें दे दिया। अब मैं वापस गेट पे जाने वाला हूँ एंड मुझे पता है, मैंने 100% प्रिडिक्ट कर रहा हूँ मैं कि इसके पास अनब्रेकेबल होगा, बिल के पास होगा ही होगा क्योंकि स्लॉपी बुचर पे इसने इतना जल्दी हील कर लिया, तो होगा ही होगा भैया उसके पास था। एंड यहाँ पे मैंने टेरर रेडियस अपना ज़ीरो करने की सोच रहा था बट केट इजीली डाउन हो गई। एंड जैसे मैंने सोचा था, बिल का अनब्रेकेबल एक्टिवेट हो गया है, वापस उठ गया बिल अंडरटैकर की तरह। तो चलो बिल पे ही चलते हैं अब। एंड मुझे जहाँ तक पता है बिल का लास्ट हुक है। एंड ये मैच में मैंने पूरा अब्यूज़ तो किया ही नहीं, मैंने ट्राई किया कि जितना कम हो सके उतना कम अब्यूज़ किया जाए। एंड या बिल यहाँ पे थोड़ा लेट कर दिया था पायलट ड्रॉप करने के लिए, सो इजी गेम प्ले, नाइस जी। अब देख ही लेते हैं एक बार केट कहाँ पर है। ओके केट अभी भी वहीं पर है, केट को कहीं हैच वैच नहीं मिला, नाइस देख के अच्छा लगा। गाइस जैसा मेरे फ्रेंड ने कहा था, मैंने एग्जैक्ट मतलब ऑलमोस्ट ट्राई तो किया था सेम वैसे ही करने के लिए एज अकॉर्डिंग टू द चैलेंज, तो हो गया चैलेंज। एंड जो वो दोस्त है मेरा, वो एक्चुअली हम लाइक डीवीडी के बिगिनिंग से ही फ्रेंड है, इन गेम फ्रेंड है, बट हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तो उसने हमें यूट्यूब के थ्रू देखा था मुझे, तो इसीलिए उसके लिए था ये गेम प्ले। एंड अगर आप लोगों को भी ये गेम प्ले अच्छा लगता है तो आप भी कभी कभार ट्राई कीजिएगा कि गोस्ट फेस से जितना कम हो सके उतना कम बग का यूज़ करें एंड लाइक प्ले लेजिटली। एंड जी गाइस, अगर ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक छोड़ देना। एंड डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है यार, ज्वाइन हो जाओ जल्दी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट गेम प्ले। अंटिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। It's alright. Hush.